basit example mesela. सर एक आज सवाल था वो पहले पूछ लें जी बताइए एक तो ये है सर पढ़ो सर बिल्कुल 720 रुपए को आदमियों और औरतों के बीच बांटा जाता है एक आदमी और एक औरत का हिस्सा 400 अपनी क्लास में जो है रुकने के लिए सर वो क्लास आपको दो मिनट रुकनी पड़ेगी डाउट पूछ रहे हैं और बताना नहीं तो फिर पता नहीं लगेगा क्या है ये भी काम चलिए सर बाद में बता दीजिएगा डॉक्टर क्लास चलते हैं सर बाद 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 पूछ रहे हैं बात लगी हम बताइए हम ऊपर क्लास करवाएंगे हम उसको ऑन कर देंगे आप हमें बता दीजिए हम भी समझ रहे हैं हां इसको चेहरा हमारा कहां सर बात कर चलिए सर बात बात ठीक बाद में चलिए आपका ही वाला रिकॉर्ड करेगा हां जरूरी बात है अब सबसे पहले नाम बता देते हैं सर नाम जिसका नेचर क्लियर हो जाएगा पर मींस होता है ईच ठीक है और सेंट मींस होता है 100 ये जो टर्म एज लगा है इसका कोई मतलब नहीं है इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं इसका क्वालिटी या इसका नेचर जो इसकी स्पेशलिटी बताता हो तो पर सेंट मींस होता है किसी भी नंबर का आप 100वें हिस्से का इंफॉर्मेशन देते हैं ठीक बात है अगर आपने कहीं कोई सिंबल इस तरह का देखा तो ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है इनटू 1/100 को ठीक है किसको रिप्रेजेंट करता है इनटू 1/100 को इसका मतलब आप प्रत्येक 100वें हिस्से की जानकारी दे रहे हैं ठीक है जिन नंबर्स में ये नेचर पाया जाता है उसको आप परसेंटेज कह सकते हैं कि आपने क्या निकाला है आपने उसका परसेंटेज निकाला ठीक है तो इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि हमें उसके फ्रैक्शन का जानकारी होना चाहिए कहां किसका कितना फ्रैक्शन लेना है जो आपको कैलकुलेट करने में या ओरल कैलकुलेशन में या थिंक विदाउट इंक के प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगा ठीक है ना तो सबसे पहले जरा रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन किस तरह का है जैसे 4% लिखा है तो 4% का मतलब है कि भाई अगर हम उसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में देन इट शुड बी व्हाट 1/25 ठीक है क्यों आप लिखोगे 4 × 1/100 तो 4/100 आएगा उसको रिड्यूस टर्म में क्या लिखोगे 1/25 आगे आपने लिखा 5% मतलब हो गया 1/20 फिर आपने लिखा 10% नहीं आगे जाएंगे अभी आप लिखेंगे यहां पर इतनी अधिक 10 नहीं लिखेंगे अभी और लिख सकते हैं 6/1/4 लिखिए पर छोटे छोटे चलते हैं 6/1/4% इक्वल टू 1/16 ठीक है फिर आपने लिखा 8/1/3% दिया जाएगा आपके पास 1/12 अब आप देखिए यहां पर 10% बराबर 1/10 ठीक है फिर आप देखिए 12.5% इक्वल टू 1/8 ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हमने यहां लिखा 15% बराबर तो जाएगा 3/20 फिर हमने लिखा यहां 20% तो जाएगा 1/5 फिर लिखा 25% तो जाएगा 1/4 फिर आपने लिखा 30% या जाएगा 3/10 फिर आपने लिखा 33/3% इक्वल टू 1/3 ठीक है आगे बढ़ जाएंगे फिर आपने लिखा 40% तो 40% मतलब 2/5 फिर आपने लिखा 50% मतलब 1/2 ठीक है आगे बढ़िए आपने लिखा यहाँ 60% 3/5 हो जाएगा 66/2/3% इट मींस एग्जैक्टली 2/3 ऑफ एनी नंबर ठीक है ना फिर आपने लिखा 70% इट मींस 7/10 ऑफ एनी नंबर फिर आपने लिखा 75% इट मींस 3/4 ऑफ एनी नंबर ठीक है फिर आपने लिखा 80% मतलब 4/5 ऑफ एनी नंबर आगे जाएंगे आप देख सकते हैं 90% ये हो जाएगा 9/10 ऑफ एनी नंबर आगे लिखेंगे 100% इक्वल्स टू 1 ठीक है 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अगर आप इसके आगे की बात करें तो कई सारे सवालों में आपको देखने को मिलेगा कि वो मोर देन 100% की बात नहीं करता ठीक है तो मोर देन 100% जहां आएगा आपके पास क्या जाएगा 150% इक्वल टू 3/2 क्यों अभी हमने बताया कि आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो क्या करोगे इनटू 1/100 करोगे तो ये हो गया रिड्यूस टर्म में 52 सर ये 53 सर तो आप देखो क्या क्योंकि आप तो हमेशा यहां जो लिख के चल रहे हो वो रिड्यूस टर्म यानी सबसे छोटे पद लिख रहे हो ठीक है अब वो किस नंबर से कटेगा ये उस टाइम डिपेंड करता है जैसे आपने यहां लिखा 30 तो 30 मतलब क्या हो गया 30 और 1/100
तो केवल जीरो ही तो कॉमन है, क्योंकि अब तो ये प्राइम नंबर आ गया, और जब प्राइम आ गया तो कटेगा तो है नहीं, तो जैसा था हमने वैसे लिख दिया। जहां 70 आएगा आप देखो 7/10 लिखा है, क्यों? क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। जहां हमने जीरो उड़ाया तो जीरो हटाने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, तो कटेगा ही नहीं, जैसा था वैसे। ठीक बात है, किया हमने सब में यही इंटू 1/100 ही किया है और हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें एक स्टेप और आगे जाके 200% = 2 लिख के छोड़ देंगे, तो ये आपका ओवरऑल कैलकुलेशन में आपकी ढेर सारी हेल्प कर देगा। जैसे मान लो हमारे पास सवाल आया, उसने कहा कि 400 का 20% का 60% बताइए, 400 का 20% का 60% आइए, तो आंसर आएगा 48। कितना आएगा? 48, बिना पेन चलाए, थिंक विदाउट ए रीजन। हमने नंबर लिखा और देखा कि भाई अगर इसको 10% लेना है 40, तो 10% मतलब हो गया 40, और 20% मतलब हो गया 40 दूनी 80 आ गया, और जैसे ही यहाँ 80 मिला तो फिर वही बात 10% बराबर 8 और 6 गुना करिए। ठीक है, अगर इसको और आप कंपाइल करना चाहते तो आप इसको यही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे, का मतलब होता है इंटू, ये आ गया 1/5, ये दूसरा का इसको रिमूव किया और इसका मतलब होता है 3/5। ठीक बात है, तो ये आ गया 25, इस 25 से आप इसको कट करेंगे 200, 25 से कट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 16, हाँ 16 आ जाएगा भाई, और ये 16 के 3 गुना, तो आप आएंगे उसी चौड़ा है। यहाँ आपने कैलकुलेट किया, पेन चलाया, वहां आपको पेन नहीं चलाना था। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, मान लो एग्जैक्टली मान दिया 489, तो फिर तो पेन चलाना पड़ेगा, आप भी चलाएंगे और मैं भी चलाऊंगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर कोई रैंडम नंबर आता है तो फिर ओवरऑल कैलकुलेशन में एक डर रहता है या एक रिस्क रहता है, जिसकी वजह से आप पेन चला रहे हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंट आंसर आएगा और सही है। ठीक बात है, तो सबसे पहला काम ये करिए, टेबल नोट कर लीजिए सारी, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है भाई, हो जाएगा, आगे बढ़ जाते हैं।
सबसे पहले ये करेंगे कि हम लोग यहाँ वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन वाले पोर्शन में आते हैं, यानी उसमें आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना होगा। उसके बाद में हम लोग शॉर्टकट से रिलेवेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चन की बात करें जिसमें शॉर्टकट नहीं लग सकता और आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो वहां उसने लिख कर दिया कि भाई 48.6 का कितने प्रतिशत है, इस तरह का एक क्वेश्चन वन लाइनर दिया। हालांकि अभी बहुत कम आता है ये, आपका अगर आएगा भी तो रेलवे वगैरह में आएगा, जहां कहीं आएगा ग्रुप डी में आएगा, ठीक बात है। अब इस तरह क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुके हैं, तो हम लोग बिगनिंग की बात कर रहे हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन मिला तो आपको ध्यान रखना जिसके साथ का लिखा हो या जिसके साथ साल से लगा हो, वही टर्म हमेशा कहां आएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है, ठीक है। दूसरी वाली संख्या या शेष बची संख्या ऊपर आएगी अंश में, और गुणे करना है 100, क्योंकि आपको ये मान चाहिए प्रतिशत में, ठीक बात है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपको देखकर घबराना नहीं, कह रहे इतना बड़ा प्रतिशत नहीं आ सकता, है ना, आ सकता है, यहाँ कुछ भी वैलिड है, डिपेंड करता है ये पूरा कि आपके पास कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में क्या लिखा गया, ठीक है। अगला लिखो इस तरह का सवाल, देखिए 12.5 रुपया 37.5 रुपए का कितने प्रतिशत है, ठीक है, आंसर आएगा 33/3, क्योंकि ये आपके पास आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, सर का अलग है, तो आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। और ये पूरा पूरा कट जाएगा, 12.5 के पहाड़े में आप कटने जाओगे तो ये 1 गुना है, ये 3 गुना है, और 100 का 1/3 आपके पास टेबल में लिखा हुआ है। आप देखो लेफ्ट से राइट देखो, ठीक है, तो आपके पास जहां टेबल लिखी होगी वहां लिखा होगा 33/3 बराबर सामने लिखवाया 1/3, चेक करो। तो जब कोई चीज 1/3 आ गई तो कितना प्रतिशत होगी, 33/3, ठीक है। तो वहां आपका ये ओरल वाला कैलकुलेशन काम कर जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो 2 मिनट 2 मिनट, 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, 2 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 2 मिनट आएगा ऊपर और 2 घंटे मतलब 2 × 60 और गुणे हो जाएगा 100। बोर्ड पर देखो 2 घंटे, ये आपके पास 2 मिनट था और ये 2 घंटे है, ठीक बात है। तो हम इसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये लिखा है 20 के पहाड़े में 6 गुना, ये 20 के पहाड़े में 5 गुना, तो ऊपर आ गया 2 × 5 = 10, और 10 को 6 से भाग देना, तो जब 10 को आप 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के पहाड़े में 1 होल, आगे 1/4 = 6, तो 1 होल 2/3 आ जाएगा, रिड्यूस टर्म 1/2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये इसी तरह का, 2 रुपया 40 पैसे 2 रुपया 40 पैसे, 14 रुपए 40 पैसे का
कितना प्रतिशत है? 2 रुपया 40 पैसे कॉमा 14 रुपया 40 पैसे का कितना प्रतिशत है? इतना ही होगा 10/6 100/6 होगा अच्छा 100/6 आएगा 16/2 कर लू मैं 2/3 वाला नहीं पाया नहीं लिख पाया इसलिए ठीक बहुत 100/6 आएगा उसको रिड्यूस करके लाओगे 16/2/3 आएगा एक से किसी दूसरी यूनिट में कोई संख्या कन्वर्ट की जाएगी ठीक है लिखो जरा लिखो 200 ग्राम कॉमा 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है 200 ग्राम कॉमा 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है बाकी लोग जल्दी करें भाई मैंने आपको बोला कि 200 ग्राम और ये 4 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होते हैं और प्रतिशत चाहिए आपको यहाँ तो आपने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो अब आपके पास देखिए ऊपर 4 0 नीचे 3 3 0 कॉमन है पहले भी खत्म कर दी अब 4 के 20 कितने बार होता बस ये 5% आपका ठीक है अगला लिखिए 2 क्विंटल कॉमा 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है 2 क्विंटल कॉमा 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है 1.25 पहले देख लो कागज के साथ लगा तब बोलो हाँ नागपुर का कानपुर कर दिया तुमने सही कर हाँ जल्दबाजी में लगा हल्का सवाल है कुछ भी कर दो हम मान जाएंगे 8000 ठीक है तो कई बार ऐसी गलतियां होती ही छोटी कि आपको सवाल आता है कॉन्सेप्ट नहीं पता है हाँ जल्दबाजी में हमको रिलेवेंट नहीं कर पाते कि इसको कहाँ रखना है तो हमको उसको रिलेट करना भी आना चाहिए उसने कहा 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का तो जिसके साथ का लगा है दैट गोज डाउन तो 2.5 नीचे आ गया और ऊपर 2 क्विंटल क्विंटल में होते हैं 100 ठीक है आपके घर में जो गेहूं का बोरा आता है वो क्विंटल के हिसाब से आता है ठीक है ना तो अब आपको चाहिए यहाँ 100 अब आप देख पा रहे हैं भाई नीचे हटेगा तो ऊपर एक चीज और बढ़ जाएगा ठीक है अब 25 के पहाड़े में 4 बार आता है तो 4 × 8 आगे 3 0 आंसर आएगा 8000% परसेंट कितना प्रतिशत है ठीक है अगला क्वेश्चन लिखिए ₹75 का कितने प्रतिशत है धीरे धीरे डिफिकल्टी सिलेबस हम आपका बढ़ा रहे हैं है ना अभी एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन मिल रहे थे
seems about it's not. चार से दो गुटे सात आएगा क्या? सही, गुड. लोकेश गड़बड़ी हो रहा है, 300 नहीं होगा, वो 30 होगा. 30 हाँ, 30 कौन से मिला है? ज्यादा आगे उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ देख रहे हैं. देखिए ये 75 ml है, हमने आपको कहा जिसके साथ का लगा है वही नीचे आता है, तो 1.75 आ गया. अब प्रॉब्लम ये कि ये मिलीलीटर में और ये लीटर में, तो आप पहले इसको जो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी राशि है, उसको मिलीलीटर बनाइए, ये आसान काम होता है, और गुणे कर दीजिए 100. ठीक है, अब आप बिना किसी डर के इसके दो जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए. अब आप ये समझिए कि ये एक जीरो जब इसको न्यूट्रल करने जाएगा तो ये यहां से खिसक कर एक स्थान दाहिने आ जाएगा. कहां जाएगा? एक स्थान दाएं आ जाएगा. अब आपके पास ऊपर लिखा है 75, नीचे लिखा है 17. ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे दोनों कट जाते हैं. 25 से कट जाएंगे, 25 के बाद ऊपर आ गया 3 और नीचे आप बस 7. ठीक है, तो 0.7 आया था, 0 बढ़ा लेंगे इसको हटाते ही, तो आपके पास 30/7 आएगा. इसको लिख सकते हैं 4 होल 2/7, इतना आंसर. ठीक है ना, नोट कर लीजिए. अगला लिखिए, दो घंटा कॉमा दो घंटे कॉमा एक दिन का कितने प्रतिशत है? ठीक है, दो घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 25. अब आप फ्रैक्शन वाली टेबल की हेल्प ले सकते हैं, वहां 12.5 लिखवाया मैंने. ठीक है, ये 100 का कितना है? 8. हाँ, 8 होल 1/3, 12वां हिस्सा ही है. 100/12 करेंगे तो आप 1/12 वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 होल 1/3 लिखा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा. टेबल जाइए देखिए, जब चेक करिए इसका, जब आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कैलकुलेशन क्या कहता है, कैलकुलेशन कहता है घंटे, इस दिन को भी घंटे बनाएंगे, तो आपके पास आ गया 1 × 24, जितने भी दिन होंगे 24 घंटे होते हैं उसमें, और गुणे करना है 100, तो 2 के पहाड़े में 1 बार 2 के पहाड़े में 12 बार, तो 100/12 आ गया. अब 100/12 को और छोटा करिए, 50/6 और छोटा करिए, 25/3, और ये 25/3 आपके पास टेबल में लिखा है, 8 होल 1/3, ये आंसर. ठीक बात है ना, नोट कर लीजिए इसको, 8 होल 1/3 है. अगला एग्जांपल लिखिए, 9 मीट्रिक टन कॉमा 60 क्विंटल का कितने प्रतिशत है? नोट कर लो, कहीं कोई बात नहीं, गलत है. नोट करो, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल्स. ठीक है, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल्स होता है. जो आपके घर में क्विंटल आता है वो 100 होता है, तो अगर आपको केजी में चाहिए होता तो 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी मिलता. हाँ, तो क्विंटल है 10 15 हो जाएगा. ठीक है, 15 नहीं होगा, अभी गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी. हाँ, 150% होगा भाई. ठीक है, कितना हो जाएगा? 150.
क्योंकि हम सवाल को सही फ्रेम कर रहे हैं, बुक से तो डन ही है, तो इतना तो हमको पता ही नहीं तुम्हारा क्या आएगा और क्या आंसर चाहिए। तो यहाँ आपके पास 60 यहाँ आ गया, ये क्विंटल्स में था, छोटी यूनिट है, जिसके साथ का लगा वही नीचे आता है, और ये 9 मीट्रिक टन है। हमने बताया कि एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो अगर ये क्विंटल में था तो इसको भी तो क्विंटल बनाना पड़ेगा, तो 9 × 10 हो गया, ये आ गया 100। तो आपकी इक्वेशन हो गई 90/60/100। तो ये हो गया 30 के पहाड़े में 2 बार, 30 के पहाड़े में 3 बार, तो 3/2 आ गए। और अभी उनको बता चुके जहां 3/2 आता है, टेबल जाओ चेक करो अपने लास्ट वाले पन्ने में, तो 3/2 बराबर कितना होता है 150%। फ्रैक्शन का 3/2 दिख गया, इसका मतलब 150% चलेगा, ठीक बात है। अब यहां से आपके जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट डन है। अब हम लोग आ जाएंगे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पे, किस तरह क्वेश्चन मिलेगा जहां आप शॉर्टकट लगा सकते हैं या उसको जल्दी कर सकते हैं। देखिए देखिए, ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है। इंग्लिश में तो कोई लिख रहा नहीं, लिख रहा तो बताना। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, बोर्ड पर देखते हुए। हाँ, ये पहला टाइप है आपको शॉर्टकट्स का, जहां सिंगल परसेंटेज बेस कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है पी अपॉन 100 ± p गुणे 100। अगर कोई चीज बढ़ रही है दूसरे से ज्यादा है तो प्लस आएगा, अगर कम है तो माइनस आएगा। तो आपने लिखा 20 और एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से ज्यादा थी तो आ गया 120 और गुणे आ गया 100। ये 1 है, ये 6 है, 100 × 1/6 = 16 से ही 2/3% आंसर। कितने प्रतिशत कमी होगी, 16 × 2/3, नोट कर लीजिए। फॉर्मूला भी लिखा है, यानी शॉर्टकट भी लिखा है और आपके पास सॉल्यूशन भी लिखा है, नोट कर लीजिए इसको। अगर एक व्यक्ति दूसरे से ज्यादा है तो प्लस आएगा, अगर एक व्यक्ति दूसरे से कम है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो जिस सवाल में सिंगल परसेंटेज होगा वहां यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन करो, यदि x की आय, यदि x की आय y की आय से 25% कम है, यदि x की आय y की आय से 25% कम है, तो y की आय, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, केवल इस बार कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो यहां आपके पास आएगा 25 की कमी हो रही है इस बार, तो यहां आएगा 25, यहां 75 × 100, ठीक है, तो ये आपके पास 1/3 × 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 33 होल 1/3। ठीक बात है। अच्छा देखिए, कई बार होगा क्या कि सवाल को थोड़ा चालाकी से लोग पूछ लेते हैं, तो इसी जगह इस सवाल को रखना ही कि भाई बेसिक तो रही वही रहेगा, बेसिक तो बदल नहीं सकता कोई आदमी, तो बेसिक यही रखेगा, यानी सामान यही रहेगा और वो इसकी पैकिंग चेंज कर देगा, यानी आपको लगाना इसी मेथड से है, वो खाली क्वेश्चन आस्किंग फिगर बदल देगा, पूछने का ढंग बदल देगा, फॉर्मूला आपको यही लगाना है और इसको हल भी ऐसे ही करना है। ठीक है, अब वो दूसरी लैंग्वेज में जब इसको पूछेगा तो कैसे पूछेगा ये देख लेते हैं। लिखिए दरवाजे,
चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कि उसका खर्च पहले जैसा ही बना रहे, अब देखिए जरा आप यहां बोर्ड पे, उसने 30% की वृद्धि करी, क्या करा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि करी है ग्रोसरी वाले ने, तो ये 30 तो यहां आ गया और उसको खपत कम करनी तो नीचे तो भी वृद्धि हुई, इसलिए प्लस होगा और गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये आपके पास देखो एक कॉमन जीरो का रिलेटेड पाएगा, तो ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 13, तो सॉल्व करने पे 23 सही 1/13 आएगा। ठीक बात है, तो कटेगा नहीं, 13 प्राइम नंबर होता है तो कटेगा वैसे भी नहीं पूरा पूरा, यहां आएगा 23/1/13। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल का पहले मीनिंग समझ ले। इस सवाल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो कोई मिडिल क्लास आदमी, मैं या आप या कोई हाउसवाइफ, और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम किसी एक कमोडिटी पर, किसी एक आर्टिकल पर हर महीने इतना ही खर्च करेंगे, तो उतना खर्च करने के लिए उसकी पॉकेट अलाउ करती है। अब उसका रेट बढ़े या घटे तो उसका जो असर पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, वो सीधे क्वांटिटी पर पड़ेगा, मात्रा पर पड़ेगा। ठीक, मान लो किसी आदमी ने फिक्स कर लिया कि वो 240 रुपया हर महीने सेब पर खर्च करता है। ठीक बात है, तो अगर पहली बार आप गए और बाजार का भाव 30 रुपया में है, तो जब 30 रुपया में बाजार का भाव है तो 3×8=24 होता है, आपको 8 किलो सेब मिलेगा। अगली बार आप गए, प्राइस हाइक हुआ, महंगाई बढ़ गई और बाजार का भाव 30 से बढ़कर 40 हो गया, और जैसे ही 40 हो जाएगा बाबूजी, तो आपको पैसा तो बढ़ा नहीं रहा, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में जब आप कमी करो तो 4×24 आता है 6 बार, तो 4×6=24, तो उसका आप 6 kg मिलेगा, तो खपत में कमी हो रही कि नहीं हो रही। ठीक बात है ना, तो यही चीज हम लोग यहाँ 100 के रिगार्डिंग या रिस्पेक्ट में लगा लेते हैं कि कितना परसेंट। जी, इसमें जैसे इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी, परसेंट की वैल्यू दे देते हो, वैल्यू दे देते, जब वैल्यू मिलेगा तो तुमको उस वैल्यू को इस परसेंटेज से कंपेयर करना होगा, यानी कोई भी नंबर अगर आएगा तो दैट शुड बी डिविजिबल बाय दिस। नहीं, कोशिश करते हैं एक बार। तुम्हारा सवाल है कि अगर यहां मान लो प्रतिशत की जगह सीधे खपत में कमी बता दे, ठीक है ना, तो तुम इसको ये असल में कट नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी समझ मारा, कोई डिविजिबल वाले नंबर से ले लो। मान लो कि हमसे कहा गया कि भाई चीनी के मूल्य में 25% की कमी ले लो तुम, अच्छा लगेगा तुमको। ठीक है, ये 75 हो गए, तो जब ये 75 हो गया 100, तो इसका मतलब है कि 1/3 की कमी हो रही। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व करने जाओगे जब, तो ये आएगा 33/3। तो इसका मतलब ये कि इतने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए, तो ये फ्रैक्शन में कितने की कमी हो रही, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई परिवार पहले 30 किलो चीनी इस्तेमाल कर रहा था, तो अब वो 1/3 की कमी करेगा, यानी 10 किलो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अब कितना केजी मिलेगा, 20 केजी मिलेगा, और यही 1/3 होता था। ठीक है, तो ये तुमको तभी मिल पाएगा जब कोई ऐसा नंबर दिया जाए जो डिविजिबल बाय 3 हो। जैसे मान लो 30 केजी इस्तेमाल हो रही तो 10 कम हो जाएगी, 90 हो रही है तो 30 कम हो जाएगी, 60 हो रही है तो भाई साहब 20 कम हो जाएगी, 45 थी तो 15 कम हो जाएगी। That entire quantity, यानी पूरी मात्रा जो है, that should be divisible by 3. This is the concept. क्यों? क्योंकि तुम्हारा fraction यही show कर रहा है कि denominator 3 आएगा, और जब 3 आएगा तो that number should be divisible by 3. ठीक है, ऐसे ही अगर तुम यहां मुझसे बात करो तो कोई ऐसी क्वान्टिटी ले लो जो 13 से कट जाती, तभी इस चीज तुमको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी, क्योंकि प्राइम नंबर था। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां 390 होता के जी में, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ऐसे हो जाएगा।
अच्छा अब ये लोग बड़े चालाक हैं, जो एग्जामिनर्स हैं वो थोड़े चालाकी करते हैं। अब इन्होंने इसी सवाल को, क्योंकि उनको मालूम कि इसका शॉर्टकट टीचर्स ने बता दिया, तो उन्होंने इसको एक लाइन और अपग्रेड कर दिया। अब वो सवाल यही पूछेगा, ढंग भी यही रखेगा, एक वर्ड थोड़ा सा बदल देगा और आपके आपने आंसर आना बंद हो जाएगा, आप ब्लॉक कर जाएंगे। वो कहेगा कि भाई चीनी के मूल्य में या पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी खपत में, अभी लिखना नहीं सिर्फ समझो, कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। अब लास्ट लाइन में चेंज है, इसमें था कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, अब ये कहेगा कि उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए। ये सवाल का ट्रेंड है जो आजकल पूछा जाता है, ठीक है। तो बस तुमको थोड़ी सी चालाकियां करनी है, उसको साइमल्टेनियसली ले लेना। अब यहाँ फॉर्मूला तो ब्लॉक हो जाएगी, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आप ये मान लो कि बाजार में जो पेट्रोल है वो 1 लीटर मतलब इतने एमएल होता है, तो ये बाबूजी ये मान लो कि 1000 रुपए का है, ठीक है। और उसने कहा कि रेट आपको बढ़ाना है, तो अब इसका बाजार भाव बढ़कर कितना हो गया, मैंने कहा 50%, तो अब इसका रेट हो गया 1500। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति जो परचेजर या बायर है उसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, तो उसकी परचेजिंग पावर नहीं, तो वो क्या कर सकता है, वो बहुत ज्यादा इसमें 20% वृद्धि कर सकता है, ठीक बात है। तो जब वो 20% वृद्धि करेगा तो अपनी जेब से बहुत ज्यादा इतना रुपया खर्च कर सकता है, ठीक है। यानी उसकी 1500 की कैपेसिटी नहीं है, तो भाई जितना पैसा आप खर्च करोगे उतना ही तो मिलेगा, तो 1200 वो खर्च कर सकता है। और आज बाजार का भाव है कितना, 1500 का, तो गुड़े आ जाएगा 100। तो आपको ये पता चला कितना फ्रैक्शन कम हुआ, वही उसने पूछा था खपत में कितने की कमी होगी, तो ये आपके पास लिखा 3 का 4 था 3 का 5 था 4/5, तो उसको मात्रा कितनी मिलेगी, 80% मिलेगी, तो कमी कितनी होगी, यस। अब यहाँ 30 नहीं होगा और वहां पहला ऑप्शन में 30 ही लिखा होगा, तो उसको पता तुम सीधा लगाओगे 50 में 20, 30 बचेगा नहीं, समझे। तो ये सवाल नोट कर लो, ये अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसे ही पूछा जाता है, ये एग्जाम में ऐसे ही आ रहा है आजकल। मैंने देखा कि इसको, क्योंकि मैं तो खुद देखता रहता हूँ प्रैक्टिस सेट्स और बाकायदा नेट पे ऑनलाइन सीट्स वगैरह देखता हूँ, तो आजकल जो क्वेश्चन का चेंज हुआ है ट्रेंड वो यही पूछता है, ठीक है, सीधे फ्लैट फॉर्मूले वाला नहीं पूछेगा। लिखो पेट्रोल के मूल्य में 50% को लिख लो, क्योंकि ये अकेला एक ही सवाल है, इस तरह टकराता है। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर कोई ग्राहक इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में मात्र 20% की वृद्धि हो, कि उसके खर्च में मात्र 20% की वृद्धि हो। अब ये सॉल्यूशन नोट कर लीजिए जो लिखा हुआ, क्योंकि इस तरह के सवाल आपकी प्रैक्टिस सेट में या बुक में कम टकराएंगे और ये एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। परसेंटेज में जब इजी सवाल की बात करोगे तो आजकल यही आता है, ये इजी है। अगर आप रेलवे का देने जाएंगे ग्रुप सी डी नहीं क्लर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। ग्रुप डी मतलब खलासी वगैरह होता है, गैंगमैन होते हैं, है ना, जो पार्टी वार्टी लाके ट्रैक सीधा करने काम करते हैं वो। ग्रुप डी में वही आएगा जो ऊपर वाला 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, क्योंकि कक्षा 10 पास है और जब कैलकुलेट करने बैठेंगे उनका दिमाग जवाब देगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है प्रतिशत 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए और आंसर आएगा 8000%, तो पहले ही गलत कर देंगे। और वहां ऑप्शन में लिखा होगा 80, 800, 8000, नन ऑफ दीज, 8000 तक तो दिमाग ही नहीं जाता, 80, 800 में कुछ लगा छोड़ देंगे, उनका दिमाग इतना ही बढ़ेगा, उनको लगेगा ये तो मतलब क्या है ये चीज, हाँ ये तो शीयर टैलेंट है किसी दिखा दिया कि भयानक गलत है ये, 8000 तो हो ही नहीं सकता, हाँ क्योंकि ये साइकोलॉजी है ना, कि भाई 100% है तो बहुत ज्यादा 100 के मल्टीपल्स में होगा तो बहुत ज्यादा लगाएंगे दिमाग, तो 800 तक 8000 का दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग पेन नहीं चलाते। और दूसरी बात, उसमें जो कक्षा 10 पास है तो जब ग्रुप डी के लिए है तो भाई इंटीरियर से भी आते हैं बच्चे, तो जर्मनी की हर एक ने कोचिंग कर रखी,
ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत है, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड ही वो नहीं, सिखाया हो जाता नहीं भाई। हम यहाँ कॉम्पिटिशन पढ़ा तो हम ये चीजें रेक्टिफाई करते चल रहे, तो मगर तीन बार एक सवाल को देख लोगे, चौथी बार ये गलत हो गई, तुमको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, इसको इस तरह से पिकअप करना, तुम समझ जाओगे। तो टकराएगा तो वहां तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आएगी, और जिसका नहीं पढ़ा हुआ तो चेहरा हैरान परेशान रहता है, वो जैसे ही सवाल की पहली लाइन पढ़ता है उसके चेहरे 12 बज जाते, उसको मालूम ये उससे होने का नहीं, ठीक है। मान लो स्क्वायर क्यूब छोटा आया, ऐसा लिख के आया कि 512 और ये, तो इसको देख के सारे लोग चेहरे पे क्या आती, प्रसन्नता, स्माइल, चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छे आते। अब देखो जरा अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी बंद हो जाएंगे अच्छे आने, ठीक। रुको अभी और धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि तुम्हारी लिमिट कहां तक है, तो जहां तक तुमको अच्छा फील होगा उसके नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो तुमको 4 तक के स्क्वायर याद है, मान लो 4 तक मतलब 4 डिजिट वाले क्यूब्स याद है, तुमको ये याद है 11 का 13 31 होता है, 12 का 17 28 होता है, 15 का 33 75 होता है, तुमको इतना ओरली या रफली एक आइडिया है। और हम तुमको ले कहां गए, नेक्स्ट लेवल पे, 4 नंबर वाला पूछा ही नहीं, 5 नंबर वाला पूछा 85 184, तो वो क्यूब होता है 44 का, किसका होता है, हमको मालूम उनको बहुत ज्यादा 30 तक याद होंगे, अगर तुमने शीट निकाल के रटे भी होंगे तो 30 तक, भगवान जानता है इसके आगे नहीं, निल। और जब और ऊपर पढ़ोगे ये लिखा है 51 का क्यों 50 तक तुमसे याद होंगे नहीं, है ना, ये किसका क्यों लिखा है 51 का। तो बस ये डिपेंड करता है, जैसे मान लो होता क्या कि एग्जाम में ओरल कैलकुलेट करने को आया कोई चीज, और हम लोग की आदत नहीं है तो हम लोग ऐसा करते नहीं, बाकी आप अगर ऑब्जर्व करने जाएंगे तो आपको बहुत आसान आसान चीजें मिलेंगी। एग्जाम में आया 11 गुणे 23, या मान लो थोड़े देर यहाँ डेसिमल लगा दो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछो तो हमारे पास एक लाइन में सीधे आंसर है, खत्म, डेसिमल लगा दो, डेसिमल भी लगा देंगे, ठीक है, घबराने का नहीं। कुछ भी नंबर आया मान लो उस तरह का, तो हमने फिर यहाँ लिखा 11 गुणे मान लो आ गया 85, तो हमने सीधे लिखा 965, खत्म। ठीक है, तो बस ये टाइम बचाने का जो टूल है, यही आपको कोई कोचिंग दे सकती है, गाइडलाइन दे सकती है, क्योंकि कोचिंग का मतलब होता है टू गेट समथिंग न्यू, कुछ आपको नया मिले, तब तो कोचिंग जाना सार्थक है। और जो तुमको गणित आती है वही गुरु जी को भी आती है, तो उसमें सार्थकता तो कुछ है नहीं। मान लो तुम भी सवाल एक्स मान के लगाते हो, वो भी एक्स ही मान के लगाते, तो दोनों भाई भाई हो, मेंटल स्टेटस में दोनों भाई भाई हो, संघर्ष के लेवल पर हो सकता है सामने वाला तुमसे एक कदम आगे हो, भाई जल्दी कैलकुलेट कर लेते, है ना। तो ये चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी। हाँ तुम देखो, तुमने पूछा तो बता देते, जब भी इस तरह का कोई नंबर लिखाओ जिसको 11 से गुणा किया गया है ना, तो जैसे में बेवकूफी है, इसमें करना कुछ नहीं, सिर्फ 2 और 3 को अलग अलग करके लिख दो, चले, और उसके बाद 2 और 3 को छोड़ देते आंसर। ग्यारह अभी सिर्फ 11 के लिए बस, बाकी अब एक्स्ट्रा नहीं, क्लास के साथ मिले ना, यहाँ देखो मान लो हमसे बोल रहे 11 गुणे 27, ठीक है, तो ये 2 और 7 लिखा, 20 में 7 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब बड़ा एग्जाम्पल देखते, मान लो हमने तुमको अभी 11 गुणे 85 करके लिखा है बोर्ड, देखो 8 और 5 तो यहाँ है, अब समस्या की 8 5 13 होता है, तो 13 जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ये सबको जोड़ के हमने बताया तुमको 9 3 5, इसलिए मेरा कैलकुलेशन तुम्हारे कैलकुलेशन से एक कदम आगे हो जाता, जहां तुम लिखते हो वहां मुड़ा और अभी कर लेते हो, टाइम बचा लेते हो, ठीक बात है ना। तो ये थोड़ा टाइम बच जाता है, स्क्वायर रटने नहीं पड़ते, मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पर हमारा टाइम बच जाता, ठीक है ना। बाकी ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में पढ़िए मत, है ना, उसमें इतनी नहीं, सही में इतना कंटेंट है, ऐप सब तुम्हारे काम का है, ये भी जरूरी नहीं। मान लो किसी बंदे ने 11 घंटे क्लास डाला कि उसका कोई दुख नहीं बनता, ठीक है। मान लो 2017 का आदमी पेपर लेके लगा पड़ा, तो वो तो लगा के खुद ही सीख रहा, तुमको क्या बताएगा भाई। और अगर तुमने जब भी ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका कि पहले यू मस्ट बी प्रिपेयर या यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑफलाइन, जब ऑफलाइन में कुछ पढ़ रखा होगा तभी ऑनलाइन तुम्हारे काम आएगा, अदरवाइज तो तुम उसमें भी निल रहोगे। तुमको मान लो परसेंटेज निकालना ही नहीं आता, तो ऑनलाइन वाला कुछ भी पढ़ाए आए पढ़ाए और जाए, तुम तो उसी चौराहे पर रहोगे जहां थे, जहां छोड़ा था वहीं अगले दिन मिलोगे, उससे कोई बहुत बेनिफिट नहीं। हाँ, उससे केवल एक बेनिफिट है कि दैट यू कैन पॉलिश योर सेल्फ इन द डेज ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, तब थोड़ा थोड़ा उससे रिविजन में हेल्प आपको मिल जाएगी।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप टू की, जहां डबल परसेंटेज आया। टाइप टू डबल परसेंटेज बेस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखिए, एक कार के मूल्य में चालीस प्रतिशत की वृद्धि होने पर, एक कार के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है। इसकी बिक्री 20% कम हो जाती है, इससे विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, बोर्ड पर देखते हैं। यहां हमने लिखा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो यहां हमने लिखा भाई प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2। ठीक है, और यहां प्लस माइनस लगा के P1 इंटू P2 बाय 100। ठीक है, अब इस पर ये वैल्यू थी, जो बढ़ रहा उसको प्लस लिखा, जो घट रहा है उसको माइनस लिख दिया। देखिए प्लस 40 माइनस 20, क्यों? कीमत बढ़ी थी और सेल डाउन हो गई थी। ठीक है ना, अब बाहर जो सिंबल आएगा वो इन दोनों के गुणनफल से आएगा, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। और इनको दोबारा बिना सिंबल के लिख देंगे, यानी कोई प्लस माइनस नहीं लगाना है, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये आ गया 4 × 2 माइनस का 8, 6 नहीं, 4 × 2 = 8, यहां प्लस का आएगा 20। ठीक है, अब ये प्लस का आ जाएगा 12, और जो प्लस है वो ये बताता है कि वृद्धि हुई है। ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है क्योंकि अभी रिवीजन हो रहा है ना हम लोग। हाँ, अब आपके वो जो डाउट्स हैं वो समझ में आएंगे कि हाँ इस लेवल पे हम अब इससे आगे जाना है। हम लोग भी नील थे, बहुत ले आया। और आप नील थी, आप लोग साल भर पहले कहाँ थे? बिल्कुल सर जी। अब आपका इंटरेस्ट आने लगा है, अब आप खुद से अगर सवाल पूछ रहे हैं तो ये बड़ी बात। और नहीं तो जब पहली दूसरी क्लास में शाम में आप आए थे तो आप याद करिए, हम अकेले पाते थे, अकेले सीखते थे, लगता था कि अरे यार कहाँ बैठा दिया हमको। धीरे धीरे आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, नहीं 1 साल से ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन 1 ईयर तो कम्प्लीट हो गया। आप थे अभिषेक जी थे और राकेश जी थे, इतनी वैकेंसी आ रही, यूपी गवर्नमेंट इतना दे रही है। बहुत जो है वो नौकरी पाए कोई कितना भी है। आप जो स्टैमिना इन बच्चों में है या आपसे छोटे लोगों में, या आज आपकी तुलना जो मुझ में है, 10 साल बाद नहीं होगा, इन्हीं में नहीं हो, क्योंकि तब उस पे इन पे रिस्पांसिबिलिटीज होंगी। ये दुनिया भर का सोच के चल रहे होंगे गणित कि यार अभी निकल के काम करना -20 आता तो मेमोरी लास्ट हो जाता है। सही, ठीक बात है। यहां देख लेते हैं, इसका एक लगाने का दूसरा तरीका, इसको हम लोग लगाएंगे मार्केटिंग की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहां लिखा OI मतलब ओवरऑल इंपैक्ट, ये SP मतलब सेलिंग प्राइस, ये SR मतलब सेलिंग रेट। ठीक है, अब हमको मालूम परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में कितनी हो सकती है, तो इंपैक्ट अधिकतम 100 हो सकता है। इस 100 को बनाने के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा 10 × 10। क्यों? मान लिया कि बाजार में किसी कार की कीमत 10 रुपया है और उसके 10 पीस बिकते हैं, तो वो दुकानदार कितना परसेंट कमाता था?
ये पहली लाइन आपको हर जगह कॉमन रखनी है, सेम रहे सवाल कोई भी हो, पहली लाइन आपकी यही रहेगी। अब दूसरी लाइन आपको सवाल के हिसाब से फ्रेम करनी है। उसने कहा कि कार की कीमत 40% बढ़ गई, अगर ये 100 होता तो 140 हो जाता, तो अगर ये 10 है तो बढ़कर कितना हो जाएगा। अब आपने कहा कि इसकी बिक्री 20% कम हो गई तो ये घटके 8 हो जाएगा, 14 8 कितना होता है। अब आप देखो जो चीज 100 लेके चले 112 हो गई, वृद्धि हो रही कमी हो रही हुई आंसर, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के आंसर ले सकते, किसी ने रोका थोड़ी आप, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। कोई फॉर्मूला कोई प्लस माइनस याद करने की जरूरत नहीं है, केवल पहली लाइन सब में 10 × 10 करके 100 और दूसरी लाइन सवाल से उठा लीजिए, आंसर आएगा ही आएगा।